नेशनल हाईवे NH5 रोड ब्लॉक। जी हाँ, पंजाब की मोगा जिला में आज 5 नवंबर मोगा से फिरोजपुर नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। यह रोड ब्लॉक दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक के लिए रखा गया है। इसमें मौजूद महिलाएं और किसान संगठनों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी त्रिलोचन सिंह गिल किसानों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं लेती, यह विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा और आने वाले 26 नवंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देने की चेतावनी दी। देखिए मोगा से राजू की रिपोर्ट। 12 बजे तो लेके 4 बजे तक चक्का जावां सारे हिंदुस्तानियों की मोदी जी ने अज की चेतावनी आ। मोदी जी कन्न खोल ला, असें संघर्ष जिहड़ा आपका 35वें 36वें दिन शुरू करता और आने वाले समय के दिल्ली के उत्ते चढ़ाई करांगे और तेनू हत्थां पैरां दी पै जूगी। इतने वड्डे वड्डे पंजाब दे अगे टिके तू केड़ा पानी हारा, तेन भी चुका के रहांगे और एक कानून वापस करा के रहांगे और पंजाब नू कदे भी असीं लालाम नहीं होण देवांगे। चाहे किसान जथेबंदियां ने, चाहे पोलिटिकल पार्टियां ने, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि पंजाब दे भविख दा सवाल आ, पंजाब दे मान सन्मान दा सवाल आ, पंजाब दी इज्जत दा सवाल आ, पदार्थ दी रोजी रोटी दा सवाल आ, साडे बच्चों की किस्मत दा सवाल आ। आओ सारे इकट्ठे हो गए इस गल दे विच हिस्सा पाइए। ना कोई पोलिटिकल अपना झंडा चके, ना कोई जिहड़ियां साडियां किसान जथेबंदियां ने अलग अलग लड़न। आओ सारे एक प्लेटफॉर्म से हो गए नरेंद्र मोदी जी दी हिक्क ते बैठिए और वो तो एक काले कानून वापस कराइए। मैं आस करता कि आप सारे इकट्ठे होके किसान मजदूर व्यापारी सारे वीर इकट्ठे होके लगांगे और मोदी जी तो एक कानून वापस करा के रवांगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा। नेशनल हाईवे पे NH5 पर जहां पर किसानों द्वारा कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, पूरी तरह रोड ब्लॉक कर दिया गया है और यहां पे कई काफ़ी मात्रा में माताएं और बहनें भी मौजूद हैं और साथ साथ में सभी किसानों ने रोड ब्लॉक कर रखी है। कई दिनों से कॉल थी कि 5 नवंबर को हम रोड ब्लॉक करेंगे और ये आप देख सकते हैं नेस्ले के बिल्कुल सामने NH5 जो कि रोड लुधियाना टू फिरोजपुर नेशनल हाईवे NH5 जाम करने जाम करने अज रैली चला गया लगातार पर इस सरकार का जो रवैया लगातार जारी है, वो टस तो मस नहीं हो रहे, उन्होंने कन के उत्ते जू नहीं सरक रही। सो किसान ने 5 नवंबर पूरा देश के चक्का जाम कर अपना रोस प्रदर्शन चक्का जाम करके बता रही है। सो सरकार को यह चेतावनी है कि ज्यादा तो ज्यादा रवैया बदलते हुए ये किसानी विरोधी जो 3 कानून है इन्हों रद्द करने आने वाले टाइम के भयानक नतीजे क्योंकि अज है जो किसान आपका रेलवे ट्रैक खाली करके है जो पासे रेलवे स्टेशन के उ आपका शांति
अध्यक्ष थे और उन्होंने अपना इस्तीफा देकर और किसानों के साथ आप पूरा कंधे से कंधा मिला के इस धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। बात करते हैं इनसे कि कृषि कानूनों को लेकर ये क्या सोचते हैं और आगे की क्या इनकी अगली रणनीति होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पंजाब का प्रभारी सी। मैं भारतीय जनता पार्टी अलविदा कह के किसानों के अंदोलन के इस संघर्ष के लगा हुआ और मैं समझदा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुस्तान के काले कानून लियाते ने वो किसान मारू ने और इन कानूनों के नाल पंजाब और हरियाणे के बहुत बड़ा प्रभाव पेगा और असी मोदी जी को दसना चाहते हैं कि पंजाब के हरियाणे के किसानों ने सारे हिंदुस्तान का ढिड भरिया और सारे हिंदुस्तान लाजमी रोटी खवाई अज उन्होंने ढिड से लत मारन का काम कर रहे मोदी जी। असी इस संघर्ष को जारी रखेंगे। अज अं 12 to 4 तकर सारे हिंदुस्तान के चक्का जाम का प्रोग्राम किया। अज असी मोगे के सैकटेट के कोल चक्का जाम किया हो सारे किसान भीर असी इतने बैठे हाँ और मोदी जी को दस देना चाहते कि अज की दिन साड़ी एक चेतावनी आ आने वाले समय के तिने बिल वापस ना ले असी दिल्ली वाल कूच करा 26 तरीक न दिल्ली के धरना देवे और सेंटर की सरकार को हिला के रख देवे और एक काले कानून वापस करा के हिस्सा लवेंगे। साडा यह तहिया और सारे किसानों का एक मोर्चा इकट्ठे होकर इस संघर्ष करते रहेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते और हमारा बिजली एक्ट 2020 जब तक रद्द नहीं होता तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखेंगे और इसी तरह से आज रोड ब्लॉक किया हुआ है और आप देख सकते हैं सीधा और ईस्ट साइड जोधपुर और ईस्ट साइड लुधियाना पूरे अपूरा नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है जो कि 12 to 4 तक का टाइम है किसानों की ओर से। और इसी के साथ मैं राजू पासी, कैमरामैन मनोज कुमार, फर्स्ट न्यूज़ इंडिया, मोगा।